शरत, अरसलान, आज तो तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठो शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी कोई बहन को मारता है? काश ये मेरी बहन होती ना, और आपको भी शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करदार लड़की को अपनी बेटी कहते हुए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? पूछो इसे, इसने खुरम से खुला क्यों ली? इसलिए क्योंकि ये किसी तीसरे मर्द के साथ इश्क में मसरूफ है। आप खैर, इसको इतनी भी शर्म नहीं आई, बेवा औरत होकर खुरम से शादी और फिर किसी तीसरे मर्द के साथ इश्क। क्या सच कह रहा है? तुमने खुरम से इसलिए खुला ली थी? झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मुझे खुरम ने सारी हकीकत बता दी है। क्या तुम उसे मिलने गए थे? हाँ, मैं तो उसे खुला की वजह जानने गया था, उल्टा उसने मुझे ही शर्मिंदा करके घर से निकाल दिया। आप आज ये मेरे से नहीं बचेगी, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या कर दिया बेटा? अनजान अरसलान, क्या हो गए? क्यों लड़ रहे हैं नीचे? सभी ताले कौन? ये देखें कौन आया मिलने। अरसलान छोड़ दो मुझे, मैं नहीं हूं। अरसलान कहां जा रहे हो? अपनी बात तो सुने। हट जाओ, तभी मेरे हाथों से मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बीच में मत आओ हमारे, ये हिमाकत मत करो। तुम नहीं करूंगा मैं। तुम ही करते इस बेहया ने क्या किया? ये गलत काम है, छोड़ो इसे, छोड़ो जुड़ी। चलो ऊपर, ऊपर चलो, तुम चलो, मैं बात करता हूँ, ऊपर चलो। खुदा जाने तुम्हारे जहन में कैसा खन्नास छाया हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद तुमने अपनी हरकतें नहीं बदली। इधर जुनैद की मां रोज तुम्हें बद्दुआएं देती रहती है। तुम जानती हो कि सहरिश उसकी मंगेतर थी। ओ, तो शर्म का चक्कर है। एक औरत की दिल लगी और मोहब्बत के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं आया, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? ठीक कहता है अरसलान, तुम हम सब के लिए बेइज्जती और शर्मिंदगी का बायस बन चुकी हो। बेहया कहेंगे, अरे कौन सा बाप, कौन सा भाई ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है?